नाज़रीन, ये वो स्टाल है जो यहाँ पे पुरानी चीज़ें यहाँ पे जमा की गई हैं। मेरी बदकिस्मती के जो इसके असल मालिक है वो यहाँ पे मौजूद नहीं है, फिर भी मैं कुछ चीज़ें आपको यहाँ पे दिखाने की कोशिश करता हूँ जिनके नाम मैं जानता हूँ, मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। ये चूल्हा है, इसी तरह ये दीलियाँ रखने के लिए एक आप कह लेंगे एक टूल यूज़ होता था, इसी तरह ये गल्ला है और ये इसको हम चमचा हमारी जुबान में जोट, और इसका नाम आप रियान साहब अगर आपको पता है आप बता सकते हैं हमारे देखिए तिरंगली, ये पुरानी बंदूक है। ये इसी तरह अच्छा पुराने वक्तों के रेडियो टेप और जिसको कहते हैं बाजा, शायद इसको कहते थे ग्रामाफोन या ग्रामाफोन के नाम से इसको जाना जाता था। अच्छा ये देख रहे हैं आप हल जो खेतों के लिए पात्र, आज बड़े बड़े थाल आ गए हैं लेकिन ये पात्र आप देख सकते हैं। ये निश्चित पब्लिक स्कूल का एक स्टॉल है, अच्छा इसका नाम इसके साथ साथ लिखा हुआ है। ये लस्सी बनाने के लिए पुराने वक्तों में इस्तेमाल होती थी ये चीज़, ये ऐसे और इसी तरह ये मिट्टी को मकान पे बैठने के लिए। अच्छा ये जो चीज़ है इसका नाम इन्होंने लिखा है जी नली। इससे रुई को तैयार करके बिस्तर बनाए जाते थे। प्रो छाननी जिसको बोलते हैं, लोई पुराने वक्त। अच्छा ये हवा के लिए पंखे हैं, ये ऊपर जाए आपको नजर आ रही है, ये गैस लाइट के लिए यूज होता था, छज है इसके साथ लालटेन। अच्छा प्रून छाबा, ये पूले पुराने वक्त के शूज घास के। अच्छा ये टेलीफोन के पीछे भी आपने देख लिया, ये नंबर मिला है कत्ते फोन से। लोटा, अच्छा जब टेलीफोन ने थोड़ी जिद्दत इख्तियार की, कैमरे ये देख लें आप, इस्त्री देख लें, ये चीज़ आप ये खारी देख सकते हैं, समावा चाय के लिए इस्तेमाल होता था। कश्ती का मॉडल तलवार, मकान से बर्फ पुराने वक्तों में, जिसका मुतबादल बेलचा, ये चरखा बेंजो, Thank you.